तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हैज और हैव इन दोनों से रिलेटेड जो है टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और आज मैं इस पूरे टॉपिक को ही एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, जिससे कि आपको किसी और दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो देखिए, इस जो वीडियो के की पॉइंट हैं वो ये हैं कि पहला तो है आपका हैज और हैव, यदि इनके साथ हम नाउन का यूज़ करेंगे तो क्या सेंस निकलेगा। उसके बाद यदि हैज और हैव इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो क्या सेंस निकलेगा। और उसके बाद यदि इन दोनों के साथ हम बीन का यूज करेंगे तो क्या सेंस निकलेगा। और उसके बाद है यदि मॉडल वर्ब के बाद आपका हैव आ जाता है तो इसका क्या सेंस निकलेगा। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो कि मॉडल वर्ब के बाद यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हैव के स्थान पर हैज का यूज कर देते हैं। तो देखिए, मॉडल के साथ कभी भी हैज नहीं आएगा, इसके साथ हमेशा हैव ही आएगा। और देखिए, मैं आपको बता दूँ ये हैज और हैव कहाँ पर यूज होंगे। तो देखिए, आपका जो हैज है ये यूज होगा ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ, यानी कि इन सब को हम बुलाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको यूज करना है हैज का। और इसके अलावा अब बच गया हैव, हैव का यूज आपको इन सब को छोड़कर बाकी सब के साथ कर देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैज और हैव, यदि इसके साथ हम नाउन लगा दें तो इसका क्या सेंस निकलेगा। तो देखिए, यहां पर इसका सेंस निकलेगा पास है, यानी कि कोई वस्तु किसी सब्जेक्ट के पास है। प्रेजेंट की हम बात करेंगे क्योंकि हैज और हैव आपके प्रेजेंट में यूज होते हैं यदि आप इनको सिंपली यूज करोगे। तो देखिए, यदि इनके बाद हम नाउन का यूज करते हैं तो सेंस निकलता है पास है, जैसे कि मेरे पास एक पेन है, या फिर तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, या किसी के पास कुछ है, उस वाले सेंस में। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज और हैव इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है, और उसके बाद आपको नाउन लगा देनी है, यानी कि नाउन मतलब किसी वस्तु का नाम, जिस वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आपको उस वस्तु को यहाँ पर लगा देना है। देखिए कैसे, उसके पास पेन है तो कैसे बोलोगे ही हैज ए पेन। अब देखिए, ही के साथ हमने हैज का यूज किया है क्योंकि ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके पास पेन है, ही हैज ए पेन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास कार है तो कैसे बोलोगे आई हैव ए कार। अब यहाँ पर आई आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नहीं आता है तो इसलिए हमने आई के साथ हैव का यूज किया, क्योंकि यदि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता आई तो हम इसमें यूज करते हैज का, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है तो इसमें हम लिखेंगे हैव। तो नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, तुम्हारे पास या फिर हमारे पास बहुत पैसे हैं तो कैसे बोलोगे वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। तो इस तरह से आप हैज और हैव इनके बाद नाउन लगाकर उन सभी को बता सकते हैं कि भाई किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या नहीं है, उन सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं। यदि आपको इसमें ही नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको डजंट और डोंट इनका यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि हम हैज और हैव इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो क्या सेंस निकलेगा। तो देखिए, ये जो सेंस है ये आपका सेम उसी तरह का होगा जैसा कि आप प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आप क्या पढ़ते हैं, चुका है लिया है। मैं सिर्फ आपको चुका है लिया है से नहीं समझाऊंगा, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। तो देखिए, चुका है लिया है का मतलब ये है कि कोई चीज प्रेजेंट तक या तो खत्म हो चुकी है या फिर जो है शुरू हो चुकी है, ये दोनों ही सेंस यदि आपको दिखते हैं तो वहां पर आपको हैज और हैव उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। जैसे कि वह जा चुका है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं वह जा लिया है, मतलब तो दोनों का एक ही है कि वो चला गया है, मतलब उसने जाने का काम खत्म कर दिया यहाँ से, या फिर जाने का काम शुरू कर दिया मतलब खत्म कर दिया, या फिर कोई कार्य शुरू कर दिया है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है और वो बिल्डिंग पूरी तरह से बन चुकी है तो क्या बोलोगे, बिल्डिंग बन चुकी है या फिर बिल्डिंग बन गई है, यानी कि प्रेजेंट तक उस बिल्डिंग को बनने का जो काम है वो खत्म हो चुका है, इस तरह से आप इसको यूज करोगे। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज और हैव इन दोनों में किसी एक का यूज होगा आपके सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है।
अब देखिए कैसे लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह चला गया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वह जा चुका है। बात तो एक ही है, वह चला गया है या फिर जा चुका है। तो लिया है, गया है, चुका है, इन सब को भी आप याद कर सकते हैं, या फिर आप अपने सेंस से पता कर सकते हैं कि प्रेजेंट तक कोई चीज हो चुकी है। तो कैसे बोलोगे, ही हैज गॉन। अब हैज के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर लगा दी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इसमें आएगी। तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो कैसे बोलोगे, ही हैज गॉन, वह चला गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने खा लिया है। तो कैसे बोलोगे, आई हैव ईटन। आपके घर में कोई सदस्य है या फिर आपकी मम्मी है और वो बोल रही है कि भाई आपने खाना खा लिया, या फिर किसी ने खाना नहीं खाया, तो आप बोले कि हाँ मैं खाना खा चुका हूँ या फिर मैंने खाना खा लिया है, तो आई हैव ईटन, इस तरह से आप बोलते हैं। तो आपको समझ में आया कि कोई कार्य खत्म हो चुका है या फिर हो लिया है, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने देख लिया है। तो कैसे बोलोगे, कोई लड़की है जिसने कोई मूवी वगैरह देख ली है, तो कैसे बोलोगे, सी हैज वॉच। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में एक ही टीवी हो या फिर एक ही फोन हो, और उस फोन में क्या है, कोई मतलब आपकी बहन है या फिर कोई भी गर्ल है जो वीडियो देख रही है, लेकिन अब जो है उसकी वीडियो खत्म हो चुकी है, उसने देखकर काम कंप्लीट कर दिया है अपना। अब आप बोल रहे हैं कि मुझे अब ये फोन दे दो। अब आपकी मम्मी बोली उसने जो वीडियो वो देख ली, तो आप बोले हाँ उसने वीडियो देख ली है, अब मुझे उससे फोन दिला दो। तो इस वाले सेंस में, यानी कि उसने अपना काम खत्म कर दिया है, सी हैज वॉच्ड, अब जो फोन है उसे मुझे दिला दो। तो इस तरह से मतलब किसी ने कोई काम खत्म कर लिया है या फिर खत्म हो चुका है, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है हैज और हैव इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि हम हैज और हैव इनके बाद बीन का यूज करेंगे तो क्या सेंस निकलेगा। तो देखिए, ये जो हैज और हैव है, इनके साथ बीन का यूज करने पर जो सेंटेंस है वो आपका पैसिव की तरह घूम जाएगा। देखिए कैसे घूमेगा, किया जा चुका है या फिर हो गया है, मतलब किसी कार्य को किया जा चुका है और उसमें सब्जेक्ट को नहीं दिखाया गया, जैसे कि दूध बेचा जा चुका है, उसे स्कूल भेजा गया है, या फिर बिल्डिंग बनाई जा चुकी है, या फिर कोई कार्य किया जा चुका है, तो उस वाले सेंस में जिसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन आपके अंदर वो माइंड है कि वो कार्य किसने किया है, आपको पता है लेकिन उसने बताया नहीं है। कि जैसे हमने बोला कि भाई दूध बेचा जा चुका है, तो इसका मतलब क्या, भाई दूध को बेचने वाला दूधिया ही तो होगा, तो इस तरह से आप समझोगे। जैसे कि बिल्डिंग बनाई जा चुकी है, मतलब इसका क्या है कि बिल्डिंग अपना आप थोड़ी बनाई जा चुकी है, बिल्डिंग किसी ने बनाई होगी, किसने बनाई होगी, मजदूरों ने या फिर जो मिस्त्री होते हैं जो बिल्डिंग को बनाते हैं, उन्होंने जो है बिल्डिंग को बनाया होगा। तो ये क्या है, ये जनरल बातें होती हैं, तो इन सब को आपको पहले से ही पता होता है इन सब के बारे में कि भाई ऐसा उसने किया होगा, लेकिन आप उसमें उसका नाम नहीं लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसका प्रमोशन हो गया है, भाई प्रमोशन कोई अंतरिक्ष से निकल के थोड़ी आएगा, प्रमोशन कौन करेगा, उसका बॉस ही तो करेगा। तो हम खाली बोल सकते हैं कि भाई उसका प्रमोशन हो गया है, इसलिए उसने मतलब गाड़ी ले ली है या फिर उसकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ गई है, तो प्रमोशन करने वाला तो उसका बॉस ही होगा ना। तो इस तरह से कोई कार्य किया जा चुका है प्रेजेंट तक, उस वाले कार्य में आपको हैज और हैव उसके साथ बीन का यूज करना है पैसिव वाले सेंटेंसेज में। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज और हैव, इनमें से किसी एक का यूज करके आपको लिख देना है बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल, दूध बेचा जा चुका है, द मिल्क हैज बीन सोल्ड। तो दूध को बेचा जा चुका है या फिर दूध बेचा जा चुका है, इस तरह से बोल सकते हैं। दूध बेचने वाला कौन होगा, दूधिया ही होगा, तो या फिर किसी डेयरी से दूध बेचा जा चुका है, इस तरह से भी आप हो सकता है। तो आपको कुछ समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, इमारत बन गई है, इस तरह से आपने बोला है कि इमारत बन गई है, यानी कि इमारत को बनाया जा चुका है या फिर इमारत बन गई है, सेंस वही रहेगा। तो कैसे बोलोगे, द बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। तो बिल्डिंग को बनाया जा चुका है या फिर इमारत को, भवन को बनाया जा चुका है या फिर वो बन गई है, इस तरह से आप इसे बोलोगे। नेक्स्ट है, उसे भेजा गया है। अब उसे किसने भेजा है ये तो नहीं बताया गया, भाई क्या हुआ है कि उसे भेजा गया है, तो ही हैज बीन सेंट, तो किसी के द्वारा ही तो उसे भेजा गया होगा। तो इसलिए ये क्या है, पैसिव में रखे जाते हैं जिसमें सब्जेक्ट को तो हाइड कर दिया जाता है और जो ऑब्जेक्ट है उसको मेन फोकस करके बताया गया, भाई उसे भेजा गया है, कोई काम है और उस काम को अभी तक किसी ने किया नहीं है लेकिन आपने किसी को भेज दिया, तो आप कैसे बोलोगे उस काम को कौन कर रहा है, भाई उसे उस काम को करने के लिए भेजा गया है।
तो किसी ने भेजा है लेकिन आप जिसको जिसने भेजा है उसको आप दिखाते नहीं है। तो इस तरह से आप हैज और हैव इनके साथ बीन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है आपका मॉडल प्लस हैव। अब देखिए मॉडल के बाद कभी भी हैज नहीं आएगा, मॉडल के बाद हमेशा हैव ही आएगा, ये आपको बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है। कुछ बच्चे हैज का यूज कर देते हैं तो आज से आपको ये गलती नहीं करनी है। अब देखिए इसका जो सेंस है वो ज़्यादातर, मैं ऐसे नहीं बोला कि 100%, ज़्यादातर पास्ट की तरफ आपका इशारा करेगा। देखिए पास्ट की तरफ कैसे इशारा करेगा, उससे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मॉडल, और उसके बाद हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से आपको इसे बनाना है। देखिए एग्जाम्पल, उसे जाना चाहिए था। अब देखिए सेंटेंस को पढ़िए, उसे जाना चाहिए था, इसमें हम क्या कहना चाहते हैं भाई, उसे जाना चाहिए था मतलब पास्ट में जाना चाहिए था। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही शुड हैव गॉन। तो ही आपका सब्जेक्ट है, शुड आपका मॉडल वर्ब है इसमें, और हैव आपका आ गया है जैसे मैंने स्ट्रक्चर में बताया था, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन इसमें आ गई है। तो उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन, इस तरह से उसे देखना चाहिए था तो ही शुड हैव वॉच्ड। तो इसी तरह से मतलब कुछ करना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए शुड के साथ हमने हैव लगाकर इसको पास्ट में निकाल दिया, हम उसको एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, यार उसे जाना चाहिए था, उसे देखना चाहिए था, उसे पूछना चाहिए था। तो इस तरह से आप यूज करोगे। नेक्स्ट देखिए, हम जा सकते थे। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में हम जा सकते थे लेकिन हम गए नहीं, तो कैसे बोलोगे, वी कुड हैव गॉन, हम पास्ट में जा सकते थे लेकिन हम गए नहीं। तो इस तरह से मतलब पास्ट में आपको यूज करना है मॉडल के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, कि पास्ट में कुछ हो सकता था, करना चाहिए था, मतलब जो मॉडल होगा सेंस तो वही निकलेगा लेकिन वो पास्ट की तरफ इशारा करेगा। एक और देखिए, एक और दिखाता हूँ आपको, हम देख सकते थे यानी कि शायद हम देख सकते थे, वी मे हैव वॉच्ड, इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। तो आपको समझ में आया, मॉडल के साथ यदि हम हैव लगाते हैं तो वो ज़्यादातर पास्ट की तरफ इशारा करता है, यदि उसमें हम वर्ब लगाएंगे, यदि उसमें वर्ब नहीं लगाएंगे और कोई नाउन वगैरह आ जाएगी तो फिर वो वही सेंस निकलेगा, किसी के पास कुछ होना चाहिए, किसी के पास कुछ हो सकता है, इस वाले सेंस को निकालेगा। तो आपको समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ जो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जिसका जवाब देना है, वो है वह खेल लिया होगा। तो इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, कि वह खेल लिया होगा। इसको मैं प्रेजेंट को लेकर बोल रहा हूँ कि भाई मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और अब तक वह खेल लिया होगा, तो इसको आपको बताना है कि भाई इसका क्या इंग्लिश होगी, तो कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।